जानवरों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी हम अभी भी बहुत कम जान पाए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार कैमरा में कुछ ऐसी घटनाएं कैद हो गई है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। वो तो शुक्र है आज की टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से हम ये अजीब सी घटनाएं कैमरा में कैद करने के बाद दुनिया के सामने ला पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कैटरपिलर्स। हाथी जैसा बड़ा जानवर भी एक पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ने के बाद आगे बढ़ जाता है, लेकिन छोटा सा दिखने वाला कैटरपिलर एक हाथी से भी कई हाथ आगे है। ये जीव अपनी पूरी जिंदगी भर बस खाते हैं, जो कि लगभग 6 सप्ताह तक जिंदा रह सकते हैं। ये एक बड़े आकार का कोकून बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है। दरअसल ये एक तरह का जाल होता है, जिसको आपने अक्सर पेड़ों पर लटका हुआ देखा होगा, ठीक एक डस्टबिन बैग की तरह। इस बड़े से जाल को बनाने में कैटरपिलर्स अपना दिन रात एक कर देते हैं, जिसमें पहले तो ये एक चेम्बर बनाते हैं, जिससे ये सर्दियां आने पर इन जीवों को ठंड का सामना ना करना पड़े। और पूरा कोकून बनाने के बाद कैटरपिलर्स सबसे आखिर में एक गेट बनाकर अपना काम पूरा करते हैं। नंबर 9, हॉक एंड फेक डक। अक्सर आपने जानवरों को चालाकी से हमला करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आज आप पहली बार देखेंगे कैसे एक हॉक बेवकूफ बन गया। दरअसल जब एक हॉक एक डक को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, और वो जैसे ही अपने पंजों से डक को उठाने की कोशिश करता है तो नजारा देखने लायक होता है। डक नकली होती है, और ये देखकर शायद हॉक भी समझ जाता है कि किसी ने उसके मजे ले लिए है। खैर, जिसने भी ये आइडिया सोचा उसको सच में 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए, क्योंकि हॉक जैसे पक्षियों की नजरें बहुत तेज होती है, और अगर इस जानवर को कोई धोखा दे दे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नंबर 8, गैनेट्स हंटिंग फॉर फिश। आपने कई सारे पक्षियों को समंदर में शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन इस पक्षी का शिकार करने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ज्यादा अलग है। ये किसी रॉकेट की तरह आसमान को चीरते हुए अपनी चोंच को आगे रखते हुए सीधे पानी में गोता लगाते हैं, ताकि पानी की सतह के अंदर जाकर मछलियों को पकड़ सके। जिस वक्त गैनेट्स पानी की सतह से भीतर घुस रहे होते हैं, उस वक्त इनकी रफ्तार 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसी तेज रफ्तार की वजह से ये पक्षी पानी के काफी अंदर पहुंचकर अपना शिकार पकड़ पाते हैं। ये पानी के अंदर लगभग 100 फीट तक पहुंच जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में ये पक्षी अपनी सांस भी काफी देर तक रोक सकते हैं, जो कि 1 मिनट के करीब तक रोकी जा सकती है। हालांकि इस तरह से शिकार करने की वजह से जरा सी चूक होने पर इनकी गर्दन टूट सकती है, जैसे कि इस पक्षी के साथ हुआ। नंबर 7, क्लेवर सीगल। जब इस सीगल के पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, तब ये अपना दिमाग चलाता है और पास ही के स्टोर में जा घुसता है। इस पक्षी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये सोच रहा हो कि इनमें से क्या लूं। इस स्टोर की बाकी चीजें तो खा चुका हूं, तो क्यों ना आज चिप्स ही ट्राई की जाए। और देखते ही देखते ये पक्षी चिप्स का एक पैकेट लेकर बाहर निकल जाता है। देखने वाली तो बात यह है कि जिस तरह हम इंसान किसी स्टोर के बाहर निकलते हैं तो सेंसर की वजह से गेट अपने आप खुल जाते हैं, ठीक यही चीज इस पक्षी के साथ भी हुई। फिर क्या था, ये पहले तो चिप्स के पैकेट पर चोंच मारना शुरू करता है, जिससे इसकी गैस निकल जाती है, और फिर लगातार हमले करता रहता है, जिससे चिप्स को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि एक खूबसूरत दिखने वाला पक्षी सीगल कितना चालाक होता है। नंबर 6, लंगूर हग्स अ दादी। ये वीडियो राजस्थान के जोधपुर का है। पहले तो ये बंदर घर में घुस जाता है, और फिर कूलर के ऊपर से नीचे उतरकर सीधे उस कमरे में जा घुसता है जहां पर बीमार दादी लेटी हुई है। पहले तो बीमार दादी इस बंदर को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर देखते ही देखते बंदर दादी को गले लगा लेता है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है, जिससे दादी का डर भी खत्म हो जाता है। दादी के पास खड़ी महिला इस पूरे नजारे को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। इस महिला ने बाद में ये भी बताया कि इन्होंने बंदर को आम और बिस्किट खिलाने की कोशिश की, लेकिन बंदर ने कुछ भी नहीं खाया, बस दादी से गले लगकर चला गया। ये घटना जितनी ज्यादा चौंकाने वाली है, उससे भी ज्यादा प्यारी है। नंबर 5, मंकी लर्न्स टू स्विम एंड ट्राइज अ हाई डाइव। यहाँ एक माँ अपने बच्चे को तैरना सिखा रही है।
हालांकि उसकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी रही, क्योंकि शुरुआत के हिसाब से बच्चे ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बंदर है जो काफी ऊंचाई से पानी में कूद रहे हैं। ऊपर चढ़कर ये कोशिश नन्हा बंदर भी करना चाहता है, जिसके लिए पहले तो ये ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ता है, मगर ऊंचाई पर चढ़ना अलग बात है और वहाँ से छलांग लगाना अलग बात। इस नन्हे बंदर की धड़कन तेज हो गई और डर इस वक्त इस पर पूरी तरह से हावी है। लेकिन तभी उसको हल्का सा धक्का दिया जाता है। तेज हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बंदर सीधे पानी में जा गिरता है। लगता है इस बंदर ने अपने डर पर काबू पा लिया है। वैसे इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करने में इस नकली बंदर का बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से इस पूरी घटना को कैद किया जा सका। नंबर 4, काउ ब्लॉक बस रूट। इंसानों के अलावा जानवरों में भी अपने बच्चों के लिए कितनी ज्यादा ममता होती है, इसका उदाहरण कर्नाटका के सिरसी में देखने को मिला। दरअसल आज से करीब 4 साल पहले इस गाय के बच्चे की मौत बस से टकराने की वजह से हो गई थी, और तब से इस गाय ने बस को ही अपना दुश्मन मान लिया है। वह बस को ही अपने बच्चे की मौत का कारण मानती है। इसी वजह से जब भी ये बस निकल रही होती है तो ये गाय बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। ये गाय ऐसा सिर्फ अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए करती है। हालांकि 4 साल पहले जब इसका बच्चा मरा था, उस वक्त बस का रंग कुछ और था। फिर बाद में बस का रंग बदलवा दिया गया ताकि गाय को धोखा दिया जा सके, पर गाय बस का रंग बदलने के बाद भी उसे पहचान लेती है। नंबर 3, पार्टनर्स इन क्राइम। पेरेंट्स के आ जाने पर टीवी सेट बंद करके पढ़ने की एक्टिंग करने लगना, ये तो हम सभी ने बचपन में कई बार किया है, और ऐसा करने में हमारे भाई बहन भी हमारा साथ देते थे। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है, इस तरह की सिचुएशन में एक डॉग आपके पेरेंट्स के आते ही टीवी सेट ऑफ कर दे? दरअसल चाइना में नुओमी नाम का डॉग अक्सर ऐसा ही करता है। यही नहीं, पार्सल रिसीव करने से लेकर बच्ची को स्कूल छोड़ने तक ये बहुत से काम करता है। यहाँ तक कि शॉपिंग मॉल में भी ये डॉग कैरी बैग को थामे रखता है। इस डॉग की इन्हीं हरकतों की वजह से ये चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया है। हालांकि इस डॉग के ओनर का कहना है कि नुओमी को किसी भी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है, उसने जो भी सीखा है घर में रहकर ही सीखा है। इस जर्मन शेफर्ड के इन्हीं कारनामों की वजह से दुनिया भर में इसके कई फैंस है। नंबर 2, कैट स्केयर्ड ऑफ क्यूकम्बर्स। रात के अंधेरे में एक बिल्ली की चमकती हुई आंखें किसी को भी डरा सकती है। हालांकि कैट्स देखने में कितनी भी खतरनाक क्यों ना लगती हो, लेकिन कई बार वो खुद भी भीगी बिल्ली बन जाती है। यकीन नहीं आता तो ये देखिए कि कैसे सिर्फ एक छोटे से क्यूकम्बर से ही खतरनाक दिखने वाली कैट्स भी बुरी तरह से चौंक जाती है। ऐसा लगता है कि इन बिल्लियों को क्यूकम्बर से किसी तरह का फोबिया है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई सारी बिल्लियों को आप इस तरह चौंकते हुए देख सकते हैं। कई बार तो ये बिल्लियां इतनी ज्यादा डर जाती है कि दीवार, दरवाजों या आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करते हुए वो सीधे जान बचाने के लिए एक ही झटके में उछलकर भागने लगती है। जो भी हो, देखने में ये बहुत फनी लगता है। लगता है पास पड़े क्यूकम्बर को स्नेक या कोई दूसरा खतरनाक मानकर चौंक जाती है ये बेचारी। नंबर 1, मड स्किप ऑफ फिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये तो हम सभी ने पढ़ रखा है। पर ये बात मड स्किपर फिश के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि ये मछली पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकती है। देखा आपने कैसे ही कीचड़ में भरी गीली सतह के बीच में से निकलती है। इस मछली के शरीर की अजीब तरह की बनावट होती है, इसके सर पर आंखें होती है। ये मछली अपने आप को सतह के ऊपर उछालकर अपने साथी को अट्रैक्ट करती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस मछली की प्रजाति में फीमेल्स को पाने के लिए मेल्स आपस में लड़ाई करते हैं। अपनी त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए ये मछलियाँ खुद को गीले पानी और मड के मिक्सचर में बार बार भिगोती रहती है। ये मछलियाँ आकार में बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसीलिए खुद की जान बचाने के लिए ये मड में ही टनल बना लेती है। टनल बनाने के लिए ये मछलियाँ मड को खोदकर अपने मुंह में भर लेती है और इसके बाद बाहर आकर उसे उड़ेल देती है। ये मछली जितनी ज्यादा अलग है, उतनी ही खूबसूरत इनकी आंखें हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।